हेलो नमस्ते बच्चों। जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और वो भी 10th के हिसाब से। प्लीज आप लोग फोकस करोगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 10th पढ़ना है ना, वो भी NCERT 10th। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम है, आप कर लीजिएगा। मेरे ऐसे भी लेक्चर्स पूरी तरह से फोकस रहते हैं 10th पर। मैंने लास्ट में यहीं पर जोड़ा था टॉपिक रेस्पिरेशन, NCERT डेफिनेशन। एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग। फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस विच कैन बी जनरेटेड बाई प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। डेफिनेशन ये याद कर लेना है आपको, लिख लेना है आपको। मेरे नोट्स मैं साथ में इसलिए देती हूँ कि आपको नोट्स लिखते जाना है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन तो किस बेसिस पर हमने डिवाइड किया? अवेबिलिटी ऑक्सीजन की, बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अवेबिलिटी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन बात करते हैं, यानी कि सेल में जो रेस्पिरेशन हो रही है, तो वो दो तरह की है, एरोबिक एनारोबिक, एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक की डेफिनेशन देखिए, लिखिए। द रेस्पिरेशन इन विच ऑर्गेनिक फूड इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक फूड यानी जो आपने खाना खाया है, जिसमें कि ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट्स है, उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन की मदद से, और ब्रेक डाउन होता किस में? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर, और ऑब्वियस ही बात है कि एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि कितनी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 10th NCERT, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, प्लीज फोकस। एनारोबिक, इस पर पहले बात कर लें, डेफिनेशन पार्ट। द रेस्पिरेशन इन विच ऑर्गेनिक फूड इज पार्शियली ऑक्सीडाइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन नहीं है तो पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन हो रहा होगा, इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसकी भी कंडीशन दो होती है, देखेंगे हम लोग। अच्छा, एक ये भी डेफिनेशन बच्चे पढ़ते हैं किताब में, ये भी बहुत अच्छा है। वॉट इज रेस्पिरेशन? द कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म दो पर्टिकुलर वर्ड है, या प्रोसेस हम कहेंगे बेटर, जो कि मेटाबॉलिज्म को सिग्निफाई करते हैं। तो कैटाबॉलिक एक्सोथर्मिक, कैटाबॉलिज्म में हमेशा ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन होता है। ऑब्वियसली बात है कि ब्रेकिंग डाउन है तो वो एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, द कैटाबॉलिक एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ये हो गया कैटाबॉलिक, ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं होता है। दिस प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व्स क्या होगा? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया आगे, इनहेलेशन वाला प्रोसेस। फिर इनहेलेशन होने के बाद स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन सिर्फ टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोग के सामने, वो भी नहीं पढ़ना है हालांकि NCERT में, लेकिन थोड़ा सा बेसिक देना चाहिए। NCERT मैंने जैसा बार बार कहा, हमारी बुक है, बाइबल की बाइबल है वो हमारे लिए, टीचर्स को थोड़ा एक्सप्लेन तो करना ही चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली रिलीज ऑफ एनर्जी, जो कि ATP के फॉर्म में होगा, है ना, थोड़ा बहुत रिलीज होगा, उस एनर्जी बॉडी में, सॉरी ये हीट एनर्जी के फॉर्म में होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, रिलीज ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में होगा, आई एम सो सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा ATP के फॉर्म में। ठीक है, तो कंजर्वेशन में 38 ATP आएगा अगर वो एरोबिक होगा तो, और अगर एनारोबिक होगा तो कितना? तो 2 ATP होगा। 38 ATP एरोबिक रेस्पिरेशन, 1 मार्क्स क्वेश्चन। 2 ATP एनारोबिक रेस्पिरेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन, रिलीज में होता है हीट एनर्जी। ठीक है, चलो अब देखो इस वाले डायग्राम को पूरी तरह से समझना है आपको, थोड़ा सा मैंने इसको ये किया है, जूम इन किया है। ठीक है, आई थिंक नजर आ रहा होगा आप लोग को, NCERT का डिप्टो उठाया हुआ डायग्राम है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, आपके 10th के NCERT का। ये डायरेक्ट आता है आपको एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आता है आपको डायरेक्ट। अगर जब लिखने वाले क्वेश्चन आते थे हमारे पास, अभी तो खैर पैटर्न ही चेंज हो गया, CBSE ने पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया, और नवंबर में हमारा ये चैप्टर आने जा रहा है, तो हमें इस चैप्टर को पूरा अच्छे से आप लोग को इस तरह से तैयार करवा देना, हमारे पूरे टीचर्स को, सबको, पूरे 10th के हो मतलब बच्चों को, कि आप लोग का एक भी मार्क्स कहीं मिस ना हो। अब ध्यान से देखना, बात को सुनना, ये आप ये देखो क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे वो लोग, कहाँ से देखो, इसी तरह से। ग्लूकोज कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है, एक एक करके क्वेश्चन पे ध्यान दे चले जाना।
सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है ना। पायरूवेट कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है? थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन पे ध्यान देना मैडम, किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोल रही हैं, ठीक है। पायरूवेट इन ईस्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, कन्वर्टेड टू इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। इथेनॉल कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है? टू कार्बन मॉलिक्यूल। इतने सारे क्वेश्चंस इस डायग्राम से सिर्फ बनेंगे आपको, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब ये वाला कंडीशन को मैं लास्ट में लेती हूँ, पहले ये ले लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर, मतलब कि पाइरूवेट जब फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, उसके बाद अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग जा रहे हैं, तो वो कहाँ पर हो रहा है, उसके आगे कौन से पार्ट में हो रहा है सेल के, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये वाला पोर्शन कहाँ पर हो रहा है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। दैट ग्लूकोज कन्वर्टेड टू पाइरूवेट इन विच पोर्शन ऑफ द सेल, इन साइटोप्लाज्म। पाइरूवेट कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच पोर्शन ऑफ द सेल, इन माइटोकॉन्ड्रिया। गेट इट, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कितनी एनर्जी की फॉर्मेशन, 38, यहाँ पे कितनी, 283। ये इस डायग्राम में नहीं दिया है, मैं अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू दूंगी उसको, टेंशन नहीं। ओके बच्चों, फिर उसके बाद ध्यान देना, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल्स हो गया, हाँ, इस वाले कंडीशन को। ये कंडीशन क्या है ना, अपने डे टू डे लाइफ में आप सोचिए, अगर क्या सा एग्जांपल मैं भी देने जा रही हूँ, एक आप जा रहे हो रोड पर और आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कंडीशन ऐसी देने जा रही है, हालांकि इससे बेटर कंडीशन हो सकती थी, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए हमें। तो अब आप रोड पे जा रहे हो, एक पीछे से, आपके पीछे एक डॉग जो है वो पीछे पड़ गया। अब आपको किसी तरह से तो भागना ही है, एनर्जी है नहीं, कहीं से तो एनर्जी आ जाएगी। तो वो उसके लिए खैर रिस्पॉन्सिबल हमारे एक हार्मोन होता है एड्रेनालिन, जो कि अचानक से हमें कंडीशन, ऐसी कंडीशंस को फाइट करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, देता है। लेकिन बहुत फास्ट रनिंग आपने की, मतलब मेरा को आपको फोकस करना है किस पर, आप लोग इस पर बात पर फोकस करो कि बहुत फास्ट हम लोग ने रन किया, बहुत फास्ट। तो जब आप रुकोगे ना, आप उस कंडीशन से बाहर आ जाओगे कि हाँ, अब आपने पीछे पलट के देखा डॉग नहीं है, आप किसी सेफ जगह पे हो, आपको दर्द होगा। किस पोर्शन में होगा, समझ में आ गया? आपके थाइज में, आपके पैर में, नीज के नीचे मसल्स में बहुत तेज दर्द होगा। दैट इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब ये बना क्यों भाई, हमको तो ऑक्सीजन मिल रही थी, तो ऑक्सीजन तो मिल रही थी, बट अचानक से आपको एनर्जी चाहिए था बहुत सारा, तो नहीं हो पा रहा था, तो उस एनर्जी को कन्वर्ट बन रहा है, वो एनर्जी बनती जा रही है, बट लैक ऑफ ऑक्सीजन में बन रहा है हमारे मसल सेल्स में। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, देखो एब्सेंस और लैक में अंतर होता है बच्चों, एब्सेंस मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, लैक मतलब कमी है। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल्स, इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड इज थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। सब पे फोकस करें, एक एक नंबर के कितने क्वेश्चंस बना दिए मैंने यहाँ से आपको, सिर्फ इस एक डायग्राम से, ठीक है। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एक्चुअली लेड्स टू द पेन विच ऑकर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हो गया भाई हमारे पैर में। फिर थोड़ी देर आप उसको बैठो ना, ठीक हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशंस, प्लीज इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिए। मैंने ना क्या किया है, एक रिटर्न पोर्शन दिया है, इसको थोड़ा सा जूम इन करने दो मुझे, नहीं तो मेरे ख्याल से इतना अच्छे से नजर नहीं आएगा। ये एकदम ऑप्शनल है, आपको पढ़ना है पढ़िए, आपको इसको समझना है तो समझ लीजिए, क्योंकि आप जब हाईर क्लासेस में जाते हो, जैसे रेस्पिरेशन आपको आई थिंक 11th में पढ़ना है, तो ग्लाइकोलाइसिस के पूरे वो 8 ATP के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी 10th में हम, अगर आप लोग को हमारे टीचर्स, अगर आप लोग को, मतलब हमारे पूरे बायो ग्रुप, अगर आप लोग को 10th के बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे, तो वो गलत होगा। हम लोग को फोकस करना चाहिए सारे 10th के बायो के टीचर्स को, कि वो 10th की बायो पढ़ाए, 11th 12th की बायो को ना पढ़ाए आपको, ठीक है, ठीक है। तो इसी हिसाब से, लेकिन लिटिल बिट ऑफ, लिटिल बिट ऑफ, एटलीस्ट आई हैव टू गिव बेसिक्स ऑफ, तो बेसिक्स आई हैव गिवन, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन ऑल पीपल, अदरवाइज तो यहाँ तक खत्म है आपका काम 10th के हिसाब से। लेकिन एटलीस्ट लिटिल एक्सप्लेनेशन, सी व्हाट हैपेंड यार, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दिस इज एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन, आई हैव गिवन एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज सिक्स कार्बन कंपाउंड कन्वर्टेड टू पाइरूवेट व्हिच इज टू मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट व्हिच इज थ्री कार्बन कंपाउंड। दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज ग्लाइकोलाइसिस, एंड इन दिस प्रोसेस इट इज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इन दिस प्रोसेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड इज 8 ATP, ओके। टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट
forms acetyl coenzyme A, which is two molecule of acetyl coenzyme A, which is two carbon compound. This process we call it as oxidative decarboxylation. And here the carbon dioxide comes out as a waste product. In this particular process, in oxidative decarboxylation, this process we call it as, it leads to the production of 6 ATP. Then acetyl coenzyme A enters into the Krebs cycle. Krebs cycle याद करो कहाँ पढ़े थे नाइन्थ में, माइटोकॉन्ड्रिया. ये पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. यहाँ से देखो मैंने कर्ल ब्रैकेट बनाया, पायरुवेट से लेकर के क्रेब साइकिल, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में. यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट साइटोप्लाज्म में, ठीक. सो एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर्स इनटू द क्रेब साइकिल एंड देन लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 24 एटीपी जनरेटेड. ये देखो अब जोड़ो आप माइटोकॉन्ड्रिया में कितना हो रहा है, 6 + 24 30 और साइटोप्लाज्म में 8, तो कितना हो गया टोटल देखो. दस बाय द कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ही मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे ग्लूकोज का, बस उसी की कहानी है. तो कितने सारे हम लोग के बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, तो बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है. बट दस बाय द कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मैक्सिमम एनर्जी 8 साइटोप्लाज्म में, 6 + 24 माइटोकॉन्ड्रिया में, एक टोटल दैट इज 38 ATP जनरेटेड. है ना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों. ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है. इसके बाद एक नोट दिया है मैंने, ये छोटा छोटा पॉइंट है एनसीईआरटी का जो कि मिस हो जाता है बच्चों से. इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, अभी हमने सारा ह्यूमन के बारे में बात किया, ग्रास ऑफर में क्या होगा, कॉकरोच में क्या होगा, हाउसफ्लाई में क्या होगा, मॉस्किटोज में क्या होगा, दे आर हैविंग टाइनी होल्स, फिर एक नंबर का क्वेश्चन है ये, आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स. जितने बॉडी के सर्फेस पे जो टाइनी होल्स हैं वी कॉल देम एज स्पाइरेकल्स एंड द एयर ट्यूब्स. अब आगे स्पाइरेकल्स ऐसे थोड़ी की हवा में है, वो एयर ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड दोज एयर ट्यूब्स आर ट्राकिया वी कॉल इट एज. तो इनमें जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो छोटे इंसेक्ट्स हैं वहां पे एग्जीक्यूट होता है रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ स्पाइरेकल्स एंड ट्राकिया. ओके, लिख लिया होगा आपने इतनी देर में. सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक रेस्पिरेशन एनसीईआरटी. तो इसमें आप देख लो, वाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल्स सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल. बाहर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, पानी में कम है, ऑक्सीजन घुला हुआ कम है, तो उनको बार बार ऑक्सीजन चाहिए, तो द रेट जो होता है उनका वो फास्टर हो जाता है, ठीक है. What happens at night regarding exchange of gases in plants? ये भी बड़ा important question है. क्या हो रहा है? बस आप लोग इसको सब लिख लीजिएगा answers को. मैंने यहाँ पे notes दे दिया सामने. रात के समय क्या होता है? At night when there is no photosynthesis occurring, क्योंकि oxygen photosynthesis के लिए oxygen important है, light important है, mainly light important है. तो रात में तो light है नहीं, तो photosynthesis नहीं हो रहा है. Carbon dioxide elimination is the major exchange. Obviously. कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यूटिलाइज हो जाता था फोटोसिंथेसिस के लिए, बट रात में तो हो नहीं रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रहा है एज कम्पेयर टू डे टाइम, ठीक है. तो एज वी नो ड्यूरिंग डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यू टू रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. दिन के समय क्या होता है, जो भी एक्सपायरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन तो ये भी करते हैं ना, प्लांट्स भी करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है. तो रात के समय ऐसा नहीं होता है इंस्टेड, इसलिए रात में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन जो है इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम. किस टाइम? ड्यूरिंग डे टाइम और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. व्हाई प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसेस एक्सचेंज. अब हमारी तरह प्लांट्स में ब्रीदिंग सिस्टम तो है नहीं, क्यों? यस, प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसेस एक्सचेंज, लेकिन क्यों? बट दे हैव स्ट्रोमेटा एंड लैंटिसेस फॉर दिस पर्पज. There are following reasons which shows that plant do not need specialized. मैंने कहा ना क्यों उन्हें जरूरत नहीं है specialized organs for gaseous exchange. तो ये सारे reason है. There is very little transport of gases from one part of plant to the another. ज्यादातर part तो dead है ना, lignin की deposition हो रही है कि नहीं, तो ज्यादा transportation तो हो नहीं रहा वहां पे. Plants do not need great demand for gaseous exchange. भाई क्योंकि lignin की deposition ज्यादा है. रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स अलग अलग रेस्पिरेशन कर लेते हैं एट लोअर रेट्स देन एनिमल्स डू. रूट्स स्टेम्स लीव्स प्लांट्स हैव मोर डेड टिश्यूज एज कम्पेयर टू एनिमल्स. कितने सारे रीजन्स है देखो, सब लिख लो ना नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है. ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट. ये भी इंपॉर्टेंट है.
जितने लिविंग सेल्स बच भी गए वो सरफेस के क्लोज में है, तो वहां पे स्टोमेटा हेल्प कर देगा, लेंटी सेल्स हेल्प कर देगा, रूट्स में रूट हेयर्स जो है वो सॉइल से ले लेंगे अपना गैसेस एक्सचेंज। तो उन्हें रेस्पिरेटरी मैकानिज्म की, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। सो दिस इज एंड ऑफ द टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन। देन इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक द टॉपिक, एंड दैट टॉपिक विल बी ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू ऑल।